सभी मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम लोग जितने भी यहाँ पे दुबई में आए हैं अपने एक इस कंपनी में, यहाँ के जितने भी वर्कर लोग हैं और यहाँ पे इमाम साहब रहते हैं, हर कंपनी में एक इमाम रहते हैं, उनसे आज हम अपनी बात को रखेंगे उनके सामने कि रमज़ान के मसाइल, रमज़ान के महीने में क्या क्या काम होती हैं, इस कंपनी के अंडर में ये लोग कैसे कैसे अपनी तिलावत करते हैं, कैसे इनको रोज़ा नमाज की पाबंदी करते हैं, कैसे इनको कंपनी क्या बेनिफिट देती है रोज़ा रमज़ान में, और इसके बारे में चलिए हम आज जानते हैं पूरा। चलिए हम कंपनी में आ चुके हैं, कंपनी के जितने भी यहाँ पे कुछ हमारे वर्कर भाई हैं उनसे हम बात करते हैं कि रमज़ान के महीने में इन लोग को कैसे अपना रमज़ान दुबई में मनाते हैं लोग, कैसे कैसे ये कंपनी इन लोग को बेनिफिट देती है। चलिए इन लोग की जुबानी हम जानते हैं। ये भाई हमारे बंगला कहाँ कराने वाले भाई साहब, किस जगह कराने वाले? टांगल। कौन सा देश? बांग्लादेश का। ठीक, आप भाई किस जगह रहते हैं? बांग्लादेश। ठीक है, तो आप इस कंपनी में जो है आए हुए कितने दिन हो गया? 11 साल। कौन सा काम में आए हैं? गार्डन में आए हैं। तो काम वम कैसा चल रहा है? चल रहा है। रमजान के महीने में आप लोग कैसे काम, कंपनी जैसे प्रेशर देती है कि काम में कुछ? हाँ, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। तो रमजान में तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का, हिंदी के बाद पढ़ने का, बेशक पढ़ने का, यानी आप लोग को नमाज पढ़ने का टाइम मिलता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, रमजान में आप लोग का ड्यूटी कितने टाइम तक चलता है? 6 घंटा। तो आप बताइए रमजान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो रमजान के बाद तो नमाज पढ़ने का, और रमजान के बाद भी नमाज पढ़ने का, रमजान सूर्य का फिर नमाज नहीं पढ़ेगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, रमजान के बाद नमाज भी पढ़ना है, मौत तक पढ़ना है नमाज। बेशक। तो ये आपको यहाँ पे पांचों वक्त की नमाज अदा करने के लिए कंपनी आपको कोई रूम वगैरह भी दी होगी ना? रूम दिया है ना? रूम दिया है, बाहर नमाज, बाहर नमाज आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नमाज में कोई दिक्कत परेशानी कंपनी की तरफ से नहीं? कैंप के अंतर आप लोग पढ़ते हैं? बिल्कुल सही है। और अपने जो बांग्ला भाषा में जो बांग्लादेश से आज आपको देख रहे हैं लोग, उनको कुछ अपना समाचार देना चाहते हैं, जो भाई इधर आना चाहते हो उनके बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं तो बताइए। माह रमजान का अपने भाषा में बताइए कि उन लोग को भी समझ में आए, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं तो उनको अपने भाषा में बताइए। तो ये है नमाज पढ़ना। जी भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कुछ कहिए अपने भाषा में, अपने ही भाषा में बोलिए। मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आता है तो आप अपने बंगला भाषा में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, आप किस काम में आए इधर, कौन से काम में आप इधर आए? बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए हमारे भाई साहब हैं लोग, इन लोगों ने यहाँ पे वर्कर का काम करते हैं, इन लोग को कंपनी ने अपना जो भी कुछ दिया है, ये बहुत अच्छे से कंपनी है, इनको बेनिफिट देती है। अब चलते हैं हमारे इमाम साहब, इन लोग के बगल में ही हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर थोड़ा आवाज़ तेज बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी आप इस कैंप के अंदर आप इमामत करते हैं? हाँ, नमाज पढ़ाते हैं? हाँ। तो नमाज आप कैंप के अंदर पढ़ाते हैं तो कंपनी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है या नहीं? नहीं, कोई कंपनी नहीं है, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ने के लिए बोल दिया कंपनी। रमजान के बारे में, रमजान के महीने में काम कैसा होता है, काम क्या चलता है, रमजान में क्या बेनिफिट होती है? रमजान के अंदर सुबह 6 से 6 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी है। बिल्कुल 6 घंटा ड्यूटी करना है। जी और रमजान के बाद हम लोग 10 घंटा ड्यूटी करते हैं। जी और रमजान में आदमी लोग सब नमाज पढ़ता है, रोजा भी रखा है। जी और रमजान तो एक महीने के लिए आ रहा है। जी और रमजान चले जाएगा, उसके बाद नमाज मौत तक पढ़ना है। बिल्कुल। हाँ, नमाज छोड़ने का नहीं भाई, जैसे अभी रोजा रखे कुछ खाया भी नहीं, फिर भी हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत बंदगी करता है। बेशक सुभान अल्लाह। और रमजान चले जाएगा, हम लोग खाना भी खाएगा, सब कुछ चलेगा, नमाज छोड़ने का नहीं। कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। बेशक, इसलिए हम लोग सब आदमी मिलके नमाज पढ़ना चाहिए मौत तक, और घर भी नमाज पढ़ना चाहिए, और
আমি পড়বো, আপনারা সবাই পড়বেন, আরো যারা আছে বাড়িতে ভাই বোন যারা আছে তারাও পড়বেন, ভাই বাংলাদেশ প্রবাসী ভাইরা সবাই পড়বেন। জি, বাংলা ভাষা আবি বাংলাদেশ কা হি হ্যায়? নেই, হাম ইন্ডিয়া কা হ্যায়, ইন্ডিয়া পশ্চিম বঙ্গাল কা। তো বাংলা কা ভাষা সেম সেম হ্যায় না? থোড়া ফরক হ্যায় ফ্রেন্ডস, জগে জগে। তো আপকে জো পশ্চিম বঙ্গাল মে লোক দেখ রহে হ্যায় তো আপ আপনে ভাষা মে বাতাইয়ে। সবাই ঘরে পড়বেন আপনারা, আর একদিন মানে এক মাসের জন্য রোজা রাখবেন, নামাজ পড়ছেন ঠিক আছে, কিন্তু মরণের রোজা চলে গেলে নামাজ ছাড়বেন না কেউ। সেই ঘুম থেকে ওটা থেকে শুরু করে শোয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলোর টাইম পাচ্ছেন, কিন্তু নামাজের বেলায় বলেন টাইম নেই, এটা কিন্তু আল্লাহ শুনবে না। কিন্তু মরণের মরণ পর্যন্ত নামাজ পড়তে হবে, আর যারা পড়েন না তাদেরকে বলবেন, হ্যাঁ বাড়িতেও পড়তে বলবেন, আপনার আত্মীয় স্বজনকে সবাইকে পড়তে বলবেন। এই বলে আমি শেষ করলাম, আসসালামু আলাইকুম। তো দেখি আমারে উলামা সাহেব জো আমারে ইমাম সাহেব সামনে আপকো দিখাই দে রহে হ্যায়, কতনি আচ্ছি আন্দাজ মে আপনি বাংলা ভাষা আর হিন্দি ভাষা মে ভি বতা দিয়ে হ্যায়। আপ লোক ইস বাতো পর ধ্যান রাখিয়ে আর রমজান কে মহিনে মে জাদা জাদা ইবাদত করিয়ে। আসসালামু আলাইকুম সবি মেরে ভাইও কো, আসসালামু আলাইকুম। দেখি হাম লোক জিতনে ভি ইয়াহা পে দুবাই মে আয়ে হ্যায় আপনে এক इस कंपनी में, यहाँ के जितने भी वर्कर लोग हैं और यहाँ पे इमाम साहब रहते हैं, हर कंपनी में एक इमाम रहते हैं, उनसे आज हम अपनी बात को रखेंगे उनके सामने कि रमज़ान के मशायल, रमज़ान के महीने में क्या क्या काम होती हैं, इस कंपनी के अंडर में ये लोग कैसे कैसे अपनी तिलावत करते हैं, कैसे इनको रोज़ा नमाज की पाबंदी करते हैं, कैसे इनको कंपनी क्या बेनिफिट देती है रोज़ा रमज़ान में, और इसके बारे में चलिए हम आज जानते हैं पूरा।